हेलो गाइस, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2021 के ऊपर। दोस्तों, यहां पर मैं आपको सबसे बड़ी खुशखबरी दे दूं कि भाई कॉलेज के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। हां गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पर गाइस एक बात ध्यान रखने वाली ये है, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं। एक होता है गाइस कॉलेज और एक होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है हरियाणा की, तो उसके एडमिशन ये नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के एडमिशन्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स हैं वो बाद में होंगे, उसकी भी आपको बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज एडमिशन्स की। तो गाइज, कॉलेज के जो एडमिशन्स हैं आपके हरियाणा के जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, उन सभी के जो एडमिशन्स हैं वो आज से यानी कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 अगस्त तक आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो गाइज चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन कॉलेज के एडमिशन के रिगार्डिंग। तो गाइज सबसे पहले हम उस पोर्टल पे चलते हैं जहाँ एडमिशन होते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको लिखना है गूगल क्रोम में dheadmissions.nic.in, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप लिख दीजिए DHE हरियाणा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा, ठीक है, इसका ये मतलब है। जैसे आप लिख के ये सर्च करेंगे गाइज, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको ये कुछ नहीं करना, लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एडमिशन, ये वो पोर्टल है गाइस जिससे यहाँ पर आप हरियाणा के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक पोस्टर लगा दिया है जो आज ही लगाया है, ठीक है। यहाँ पर खट्टर साहब की फ़ोटो है, एडमिशन ओपन। यहाँ पर देखिए इन ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब है जो 12th के बाद, जिन्होंने अब 12th क्लास पास की है उनके लिए ये एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखिए एडमिशन पोर्टल है और यहाँ पर डेट्स दी गई है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज एक बात ध्यान रखिए, ये जो यहाँ पर गलत फहमी स्टूडेंट्स के अंदर है कि भाई हमें सबसे पहले रजिस्टर करना है, तो भाई ये गलत फहमी निकाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप 16 को यहाँ पर रजिस्टर कीजिए, चाहे 26 को कीजिए, नंबर सभी का आएगा, ठीक है। 10 दिन के अंदर आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, ये है कि भाई ज़्यादा लेट भी ना करें, क्योंकि ये नहीं है कि भाई पूरा का पूरा हरियाणा ही 26 तारीख को कर रहा है, फिर तो वेबसाइट हैंग हो जाएगी। और ये भी नहीं है कि भाई पूरा का पूरा हरियाणा ही स्टार्टिंग में ही करने लग गया, भाई सभी का नंबर आएगा आराम से। कभी भाई कोई 16 को कर लीजिए, कोई 17 को, कोई 18 को, कोई 24, 22, 23, यानी कि यार मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी करें कि भाई मैं तो 16 को ही एडमिशन लेंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं बनने, तो आराम से उनको बनने दीजिए, 26 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइज, यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। कोर्सेज दिए गए हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, जर्नल, ऑनर्स एंड अदर जो कोर्सेज होते हैं सभी के लिए एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉलेज हैं जिनमें ऑनर्स है, ज़्यादातर कॉलेज में ऑनर्स नहीं है। परिवार पहचान पत्र आपके लिए ज़रूरी है, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। तो गाइज़ अगर आपने नहीं बनवाया है परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी, तो गाइज़ आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर नीचे देखिए कुछ यहाँ पर डेट्स दी गई है इंपॉर्टेंट, यानी कि वही है मैंने आपको बता दी कि भाई 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद 18 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 2 सितंबर को, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 2 सितंबर को मेरिट लिस्ट आएगी भाई, उसमें आपको अपना नाम चेक करना होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जो पोस्टर है इसको हटा देते हैं, ये पोस्टर लगाया हुआ है, ठीक है, खट्टर साहब की फ़ोटो वगैरह है, एडमिशन ओपन। तो इसको जैसे ही आप हटाएंगे ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर गाइज हमारे काम की चीज़ आ जाती है। यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है, यानी कि गाइज यहाँ से आपको अपना एडमिशन के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पहले होगा, यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी काम के लिए गाइज, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आगे का फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है, एडमिशन। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ, मेरे पास यहाँ किसी का डेटा है नहीं किसी स्टूडेंट का, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप नया पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है सबसे पहला काम, कि भाई आपने 12th क्लास किस बोर्ड से की है, हरियाणा बोर्ड, CBSE, UP, राजस्थान, वो क्लिक करोगे। उसके बाद अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, छात्र का नाम। उसके बाद आपने यहाँ पर 12वीं जो की है उसके क्या रोल नंबर थे वो लिखोगे। उसके बाद किस साल 12वीं की है वो लिखो।
और नीचे लिखो डेटा प्राप्त के ऊपर क्लिक। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, अपने माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर क्या है आपका यानी कि मेल फीमेल, ईमेल आईडी और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद गाइज आपके फ़ोन नंबर के ऊपर आ जाएगा एक ओटीपी, वो यहाँ पर ओटीपी आपको फिर से डाल देना है। उसके बाद गाइज आपके फ़ोन के ऊपर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें हैं गाइज ये आपको संभाल के रखनी है। यही अब आगे आपको एडमिशन के लिए चाहिए होंगी जब आप फॉर्म भरेंगे। अब तक तो आपने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन करना तो एक सिंपल स्टेप है जो कि आपको करना है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है एडमिशन के लिए, यानी कि किसी भी कॉलेज के लिए आपने फॉर्म नहीं भरा है, सिर्फ आपने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किया है कि हाँ भाई मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है। फॉर्म अब आप आगे भरेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड। अब आप आ जाइए फिर से उसी पेज पर बैक करके, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा था सेकंड नंबर पे स्टूडेंट लॉगिन, अब उसका काम है। अब यहाँ से आपको फॉर्म भरना है अपना, ठीक है। ये फिर से आ गया वही पोस्टर खट्टर साहब वाला। तो गाइस देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन, अब इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि पहले रजिस्टर किया, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन पर आ गई, पासवर्ड आ गया, वो यहाँ पर आपको डालना है, फिर आप किसी भी कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो दो स्टेप होते हैं, तो यहाँ पर आप अपना एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और एंटर पासवर्ड, उसके बाद ये कैप्चा है नीचे, ये सब कुछ डाल के लॉगिन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पर सभी जो कॉलेजेस हैं उनके पेज ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पर कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करके अपने डिटेल्स डाल के अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है गाइस एक मेन, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि भाई हम खुद फ़ोन से अपना फॉर्म भर लें। भाई देखो ये यार मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है कि भाई आप फ़ोन से अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है यार, बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर मैं आपको सच बताऊं, ठीक है। लिटरली गाइस बहुत दिक्कत आ जाएगी फ़ोन से आप फॉर्म ना भरें। आप यार 150 रुपये खर्च करके साइबर कैफ़े या फिर किसी इंटरनेट शॉप से यहाँ पर फॉर्म भरें, क्योंकि गाइस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर आप यहाँ पर फ़ोन से फॉर्म भरते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर फ़ोन में देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो भी स्कैन करने पड़ेंगे आपको। दूसरा प्रिंटर से प्रिंट आउट भी निकालना पड़ता है, तो ये सारा सिस्टम आपके घर पे तो होगा नहीं, फ़ोन है आपके पास तो, ठीक है। तो फ़ोन से रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन फॉर्म भरना यानी कि स्टूडेंट लॉगिन के बाद जो ये काम अब करना होता है ये आप खुद ना करें, ये यानी कि यार पूरा ही काम आप भाई 100 रुपये दे के किसी साइबर कैफ़े वाले से करवा लें, ठीक है, ओके। मेरा तो भाई यही ओपिनियन है, वरना फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप घूमोगे कि सर मेरा ये हो गया, मेरा सर फॉर्म का जो यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर था वो गलत भर दिया, ये कर दिया वो ये। तो ऐसा आपको नहीं करना है गाइज, 100 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे दोस्त, इतना तो यार करना पड़ेगा अगर आप अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर। अब भाई कॉलेज कर रहे हो यार, 100 रुपये आप वैसे भी खा जाते हो, ठीक है, तो यहाँ तो खर्च कर ही सकते हो। और यार उनको नॉलेज भी होती है जो यहाँ पर फॉर्म भरते हैं साइबर कैफ़े वाले, तो वो आराम से आपका फॉर्म भर देंगे, आपको कोई सिरदर्दी नहीं लेनी, ठीक है। आपको उनको अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़ाने हैं, अपनी डिटेल्स बतानी है और किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है ये बताना है और कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आप उन्हें बता दो, वो आपको साइड में अपने बिठा के और आराम से आपका फॉर्म है कम्प्लीटली भर देंगे, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर देंगे, उसके बाद आपकी टेंशन ख़त्म। इसके बाद गाइज अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में गलती आती है तो यहाँ पर आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा जो फ़ोन नंबर आप दोगे, ठीक है, वरना फिर आपका काम पड़ेगा 2 सितंबर को जब पहली मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है 26 तारीख तक, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर 2 तारीख को आपका काम पड़ेगा कि आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो भी ऑनलाइन हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना। हाँ अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर दिक्कत आ जाती है तो फिर भाई आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दोबारा करवाना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट है जिसमें गलती आई वो दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, इसी साइट के ऊपर, यानी कि जहाँ फॉर्म भरवाओगे उसी कैफ़े वाले का नंबर ले लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको उसके पास दोबारा जाना है और बोलना है कि भाई मेरा ये पासवर्ड है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको संभाल के रखना भाई, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट स्टेप आपको बताया था जिसमें आपके फ़ोन नंबर के ऊपर OTP आया था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आया था, वो दोनों चीज़ें आपको संभाल के रखनी है भाई, चाहे कहीं लिख लीजिए या फिर अपने फ़ोन में आप नोट बना के डाल सकते हैं, आजकल फ़ोन का डिजिटल ज़माना है, ठीक है, वरना कहीं लिख लीजिए। कई बार क्या होता है फिर बाद में आप कमेंट करोगे भाई मैं अपना पासवर्ड भूल गया, ये कर गया, तो इससे पहले मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई ऐसी गलती ना करें। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा और एक पासवर्ड, और ये नहीं है कि भाई यहाँ पर एडमिशन में ही काम आएगा। भाई आप जब कॉलेज में पढ़ोगे 3 साल या 4 साल जितने साल का कोर्स करोगे तब भी ये काम आएगा, ठीक है।
सो गाइज ये रहेगी पूरी की पूरी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना फॉर्म भर देना है जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा 48 घंटे के अंदर, ठीक है। फ़ोन पे आपके मैसेज आएगा। तो फ़ोन नंबर गाइज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वही आपको देना है जो कि ऑथेंटिक हो, वैलिड हो और यानी चालू कंडीशन में हो, अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना है। मेरिट लिस्ट में नाम अगर आपका आ जाएगा तो यार आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसके बाद आपकी फ़ीस जमा होगी और उसके बाद आपको रोल नंबर मिल जाएंगे, आप देन आफ्टर अपनी क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहती है पूरी की पूरी प्रोसेस। तो गाइस एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है आप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 25 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 25 कोर्स कोई बेवकूफ़ी करेगा सेलेक्ट, ठीक है, क्योंकि यार सभी को कन्फर्म होता है कि भाई मैं या तो बीए करूँगा, बीए नहीं तो बीएससी, ठीक है। 25 कौन करता है भाई, ठीक है, समझ गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो के नीचे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हैं, अपना डाउट दूर कर सकते हैं। सो आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार, ठीक है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। यानी कि भाई कॉलेज एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। आपको यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम के ऊपर मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं यार, जय हिंद जय भारत।